नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, 19 फरवरी को विजया एकादशी है, जैसा कि इसका नाम है विजया, यानी विजय प्राप्ति का। यदि आप किसी शत्रु से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि से आप परेशान हैं, तो यह एकादशी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि आप हमारे बताए हुए इस उपयोग को करेंगे, इस प्रयोग को करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसका व्रत किया था और फिर उसके बाद उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो आप यदि किसी शत्रु से परेशान है, कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस प्रयोग को जरूर करें। कोर्ट कचहरी का चक्कर यदि चल रहा है, किसी भी प्रकार की जीवन में यदि कोई कठिनाई आ रही है आपके लिए, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक हम आपके लिए दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं। इसे निश्चित रूप से आप करें तो आपको अनेक लाभों की प्राप्ति होगी। तो आपको करना क्या है मित्रों, 19 तारीख को आप रात्रि में स्नान आदि करने के पश्चात में पूजा स्थली पर बैठ जाएं, भगवान विष्णु का एक चित्र रख लें और एक घी का दीपक जला लें। उसके पश्चात एक पीपल के पत्ते पर आप जो है तीन चुटकी पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा तीन चुटकी जो है आप उसमें केसर डाल दीजिए और तीन बूंद उसमें गंगा जल डाल दीजिए और तीन लौंग पीस करके उसका चूर्ण उस पर डाल दीजिए। उसके पश्चात आप अपनी जो है अनामिका उंगली से उसको थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप 108 बार आप जाप करें और उसको इस प्रकार से घुमाते रहें, और घुमाने के पश्चात में आप उसको रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल आप उसका तिलक करके और फिर यदि आप निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो भी शत्रु है वह परास्त हो जाएगा और आपसे निश्चित रूप से दोस्ती करने का प्रयास करेगा, या कोर्ट कचहरी का यदि आपका चक्कर चल रहा है तो उसमें आपके लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप उसको घुमाएंगे तो उस समय आप जो भी शत्रु है या आप कोर्ट कचहरी का जो चक्कर चला उसका आप ध्यान करते जाएं, आपका जो भी शत्रु उसका नाम लेते हुए आपको इस फिंगर से आपको उसको घुमाना है, और घुमाने के पश्चात में 108 मंत्र का आपको जाप करना है, और उसके पश्चात उस सामग्री को वहाँ वैसे ही रखा रहने दें। सुबह जो है उस शत्रु को स्मरण करते हुए आपका कोर्ट कचहरी चल रहा है तो इसको इस प्रकार से तिलक करके और थोड़ा सा नाभि पर लगा करके फिर आप इसको निकलेंगे, तो कुछ दिन तक यदि आप उस तिलक को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, विजया एकादशी 19 तारीख की रात्रि को आप यह उपाय करें, निश्चित रूप से आपके लिए असाध्य सफलता प्राप्त होगी, आपके दुश्मन परास्त होंगे और आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। आशा मित्रों, यह उपाय आप जरूर करेंगे और यदि आपको लाभ प्राप्त होता है तो कमेंट्स बॉक्स पर आप जरूर लिख करके दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस उपाय को आप वायरल करें ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके। और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, पति पत्नी में आपसी मतभेद है, तलाक की स्थिति आ गई है, प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी जा रही है, परिवार को लेकर के परेशान है, संतान को लेकर के परेशान है, संतान नहीं हो रही है, यदि हो गई है तो वो आपकी बात नहीं मानती है, कई प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, इस समस्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का हमारा तरीका है
कि हमारे जो दोनों नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, इसमें आपको अपनी जन्म कुंडली आपको भेजना पड़ेगी, यानी आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय एएम है या पीएम है, और जन्म स्थान। जन्म स्थान यदि छोटा है तो वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस भेजें। उसके पश्चात में हम अपना यहाँ से अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजेंगे, जो कि हमारी परामर्श शुल्क है 1100 रुपया एक कुंडली देखने का, वह आपको पहले जमा करना पड़ेगी। उसके पश्चात हम आपको समय देंगे, उस समय पर आप हमसे अपने जीवन की जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। उस कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़ी समस्त समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे और छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे, जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो संपूर्ण यदि आप अपने भाग्य को जानना चाहते हैं, संपूर्ण आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है, तो आप हमसे तुरंत अपना जो है मोबाइल उठाएं, व्हाट्सएप पर अपनी जो है डिटेल भेजें, और उसके पश्चात हमारी जो परामर्श शुल्क है 1100 रुपये आप उसको जमा करें। उसके पश्चात हम आपसे के जीवन में जुड़ी हुई हर एक समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे और छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज हमारा 3100 रुपया है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो उसके लिए यदि आपको कुंडली बनवाना है तो इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं, ये देखिए, इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा निकलता है, 10-15 पन्ने, जिसमें अंक ज्योतिष भी रहता है। इसके पश्चात इसकी विशेषता यह है कि ये हम जो है लिख करके देते हैं, पूरे नवग्रह का पूरा जो 9 ग्रह हैं उनके बारे में पूरी विवरण जो है हम अपने हाथों से लिख करके देते हैं, कि कौन सा ग्रह आपका जो है कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या फल वो आपके लिए देने वाला है। आपके यदि बच्चे की कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो उसके कैरियर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसके कैरियर का आपको कौन सा चयन करना चाहिए, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उसके जीवन में जो भी समस्या आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको जो है पूरा विवरण आपको मिलेगा। इसका चार्ज 3100 रुपया है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपनी, अपने बच्चों की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आप कुंडली बनवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा संपर्क करने का हमने आपको तरीका बता दिया, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। छोटी छोटी कोई समस्या हो, गृह प्रवेश कब करना है, मुंडन संस्कार आदि कब करना, छोटी छोटी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और जब भी हमें अवकाश मिलेगा हम निःशुल्क उसकी आपके लिए जानकारी दे देंगे। लेकिन यदि आपको अपना जन्मांक दिखाना है तो फिर आपके लिए जो है हमारी परामर्श शुल्क जमा करना पड़ेगी। आशा है मित्रों आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे और हमें इसका एक बार अवसर जरूर देंगे। नमस्कार।